जिनेंद्र जय बोलना दोस्तों, 3:52 हो चुकी है, मार्केट को बंद हुए 22 मिनट हो चुका है और त्योहारों का दिन है, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, तो आज का टॉपिक पहले हम लोग देख लेते हैं। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। ये टॉपिक है आज का, टॉपिक को पढ़ लीजिए। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज ओवर स्ट्रेच्ड। ओवर स्ट्रेच्ड का मतलब बहुत ज़्यादा खिंच जाना। ओवर स्ट्रेच मतलब जैसे रबड़ को आप दोनों साइड से टांगते तो खींचते जाता है ना, इलास्टिक को आप टांगते तो दोनों साइड खींचते, वो स्ट्रेच होता कि नहीं, थोड़ा बड़ा होता है। ओवर स्ट्रेच फ्रॉम इट्स 20 SMA। SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज से निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं, तो एक बिग करेक्शन कुड ब्रिंग देम क्लोज टू 20 SMA अगेन सून। ए बिग करेक्शन, एक बड़ा करेक्शन उनको वापस अपने 20 SMA के करीब लाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसका हम लोग, ये आज का टॉपिक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, डिस्क्लेमर पे। डिस्क्लेमर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है, तो इसको पहले पढ़ लीजिए। मैं जूम कर दिया उसको ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, तो इसको पढ़ लीजिए। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल भी लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। चलिए अब आ जाइए, आज का टॉपिक को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ थ्रू टेक्निकल चार्ट्स। तो सबसे पहले मैं चार्ट्स खोलता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले डेली चार्ट में हम लोग आज की क्लोजिंग और थोड़ा सा उसको एनालिसिस भी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए हमको। तो पहले इसको मैं 6 मंथ्स कर लेता हूँ और डेली चार्ट को आज क्या हुआ वो पहले बात कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हम समझाएंगे आपको कैसे हुआ। तो ये डेली चार्ट है, मैंने 6 मंथ कर दिया इसको, तो नेट कुछ कारण से बंद हो गया होगा। अच्छा, उसका नेट एक्सेस कम हो गया। बैंक निफ्टी का चार्ट है, अब आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। बैंक निफ्टी ने आज ओपन किया 28108 पे और हाई बनाया 520 का, जबकि कल का हाई था 672, यानी कि लोअर हाई। आज लो बनाया इसने 27703 का, कल का लो था 28066, लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लो। तीनों दिन आप देख सकते हो, जब टॉप बनाया था इसने 29030 का, उस दिन 29030 का हाई था 11 तारीख को और लो था 28211। नेक्स्ट डे 28672 का हाई था और लो था 28066, लोअर हाई एंड लोअर लो, और आज भी लोअर हाई एंड लोअर लो। ये होता है टेक्निकली बियरिश साइन। जब भी इस दिन का हाई कमज़ोर है और इस दिन का लो कमज़ोर है और आज वाला भी इस दिन के हाई से भी कमज़ोर है, हाई और लो से भी कमज़ोर है लो, यानी कि लोअर हाई एंड लोअर लो पिछले दो दिन से बैंक निफ्टी बना रहा है, पिछले दो दिन से कंटिन्यू बना रहा है। क्लोजिंग अच्छी दी है आज, नो डाउट 28400, लेकिन ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, ये हमको देखना ज़रूरी है। अब वैसे ही हम निफ्टी पे भी चेक कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग उस टॉपिक को भी जस्टिफाई करेंगे जो हमने लिखा है। तो निफ्टी पे भी देखिए आप, निफ्टी पे कल से आज लोअर हाई एंड लोअर लो बना है, नॉट उस दिन का लो भी बड़ा था जिस दिन इसने टॉप बनाया था 770 का, लेकिन कल से आज का हाई लोअर है। कल का हाई था 741 और कल का लो था 624 और आज का लो है 607, यानी कि लोअर लो, और कल के हाई से भी आज हाई कमज़ोर है 735। तो ये आज दोनों में ये पैटर्न बना है पहली बात, लेकिन निफ्टी में आज फर्स्ट टाइम बना, बैंक निफ्टी में दो दिन से बन रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर है, ये मैं बोल सकता हूँ। अब आ जाइए 20 SMA की कहानी। तो मैं इसको आपके सामने में क्या कर दे रहा हूँ, उसको 2 ईयर्स कर दे रहा हूँ ताकि आपको 2 साल के डाटा में वो देखने मिले, ठीक है। पहले निफ्टी पे दिखा देता हूँ। तो अब आपको ये जो बीच में लाइन दिख रही है, कंटिन्यू लाइन जा रही है, ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। तो आप देखो निफ्टी जब जब इससे जुदा होता है तो
तो वापस इसको छूने आता है, जब जब जुदा होता है। तो यहाँ गैप देखे कितना बड़ा गैप बना, इतना सही बड़ा गैप बना, यहाँ से इस लाइन से इतना ही बड़ा। हाईएस्ट में भी अगर आप मार्च को देखो तो इतना ही बड़ा गैप बना, इतना बड़ा गैप बना, इतना बड़ा गैप बना, इतना बड़ा गैप, इतना ही हाइट का गैप बना। लेकिन अब की बार देखो आप इस 20 SMA से इतना बड़ा गैप बन गया, और एट एनी कॉस्ट वापस 20 SMA पे आता है निफ्टी। आपको 2 साल से दिखा देता हूँ, जब इससे जुदा हुआ वापस छूने आया, जुदा हुआ छूने आया, नीचे भी गया, नीचे जाने के बाद भी वापस इसको छूने ही आता है। चाहे ऊपर जाए इस लाइन के तो भी वापस इसको छूने आता है, चाहे नीचे जाए तो भी छूने आता है, चाहे ऊपर जाए तो यहाँ देख सकते हो। और जब ये मार्च महीना था तो ये नीचे आया था, लेकिन वापस इसको छूने ऊपर गया, और इसके ऊपर निकल गया, वापस नीचे, अब ऊपर निकल गया, वापस छूने आया, 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 नीचे निकल गया, वापस छूने आया, ऊपर निकल गया, वापस छू के नीचे आया, अब ऊपर निकला, अभी तक छुआ नहीं है। तो छूने जब आएगा तो एवरेज क्या दिखा रही है इसकी, 20 डे SMA क्या दिखा रहा है, 12,063। तो हम लोग एक चीज़ मान सकते हैं कि निफ्टी एक किसी भी कारण से 12,150 के आसपास जरूर आएगा आने वाले 6 से 7 ट्रेडिंग डेज में, एट एनी कॉस्ट 12,150 के तरफ निफ्टी को आना ही पड़ेगा। कितने दिन में? 6 से 7 ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज का मतलब एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। आप देख लीजिए, जब जब इसने जुदा हुआ वापस आया है, तो ओवर स्ट्रेच मतलब ये इस लाइन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो वापस इसको एक करेक्शन देके इस लाइन को छूने आना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट। कई बार देखिए, यहाँ से ये ओवर स्ट्रेच हुआ, इस लाइन को छुआ, वापस अपनी रैली चालू किया, ओवर स्ट्रेच हुआ, फिर से इस लाइन को छुआ, अपनी रैली चालू किया, तो ये रैली चालू रहेगी, लेकिन वापस इसको एक बार 12,150 या 100 आना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन रोज चेंज होगी। एवरेज जो है अभी दिखा रही है 12,063, तो ये हर दिन चेंज होती है, क्योंकि ये 20 दिन की मूविंग एवरेज है, पिछले 20 दिन लेता है, आज का दिन लेके 20 दिन की एवरेज निकाल रहा है। तो जब कल ट्रेडिंग होगी तो कल का दिन लेके 20 दिन की, तो ये मूविंग एवरेज रोज चेंज होगी, क्योंकि इन दिनों में मार्केट ऊपर गया है तो थोड़ी एवरेज बढ़ती जाएगी, तो भी ये 12,150 से ऊपर नहीं जा सकती है अगले 7-8-10 दिन में, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको टारगेट बोल रहा हूँ, एट एनी कॉस्ट 7 से 8 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी को 12,150 एट एनी कॉस्ट आना, ये रीज़न है। समझ में आया आपको? तो आप भी चेक कर लीजिए अपने घर पे 20 SMA लगा के। अब आ जाइए, इसको मैं 3 साल करके भी दिखा दूँगा। चलिए, 2 साल का है ये पूरा डाटा, 2 साल का आपको डेट भी दिख रहा होगा ऊपर। आप देखो, 4/1/2019 आपको दिख रहा होगा, 16/11/2018, ठीक है। तो अब मैं इसको 3 साल भी दिखा देता हूँ, वही चीज़ आपको दिखेगी। तो एट एनी कॉस्ट एक करेक्शन ड्यू है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, इस लाइन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अब यहाँ पे भी आप 3 साल का मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ स्टार्टिंग डेट कौन सी आ रही है, 27/10/2017 से दिखा रहा हूँ, 27 अक्टूबर 2017 से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो, जब जब इस लाइन से जुदा हुआ वापस छूने आया, लाइन से जुदा हुआ छूने आया, लाइन से जुदा हुआ छूने आया, लाइन से जुदा हुआ छूने आया, ज़्यादा टाइम रह ही नहीं सकता इससे दूर, क्योंकि 20 SMA एक बेंचमार्क होता है किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का। तो आप देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं रहा, वापस नीचे है, कितना टाइम बीता है आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कंटिन्यू आया। अब ये खाली मार्च महीने में इसने पूरा महीना क्यों बिताया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीवियर फॉल आया था, तो भी इसका गैप देखिए इतना सही था, गैप देखिए इतना सही था, गैप देखिए इतना सही था, लेकिन यहाँ गैप बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया है, तो ये गैप इसको फिलअप करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ये ओवर स्ट्रेच जो हो रखा है, इस लाइन से इस लाइन को छूने आना पड़ता है, यानी कि आज की डेट में ये बोल रहा है कि 12,063 तक आना पड़ेगा, लेकिन ये रोज फिगर चेंज होगा, ठीक है। तो मैं 150 जो बोल रहा था वो आज भी बोल रहा हूँ, बस एक वीक का डिले हो जाएगा, यानी कि 6 से 7 ट्रेडिंग डेज का। अगर अगले 8 ट्रेडिंग डेज में नहीं आता 12,150, चलिए लाइफ टाइम के लिए मैं आपके सामने कभी भी स्टॉक मार्केट की बात करने नहीं आऊँगा, सिर्फ वेबिनार की बात करने आऊँगा, कोई भी चार्ट डिस्कस नहीं करूँगा। 8 से 10 ट्रेडिंग डेज में अगर ये 12,150 को छूने नहीं आता, ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। कल मैंने बोला था कि रेड क्लोजिंग नहीं आई तो मैं नहीं आऊँगा, तो कल आ गई थी रेड क्लोजिंग, वो भोलेनाथ सुनता। तो अब मैं 8 से 10 ट्रेडिंग डेज का टाइम ले रहा हूँ मैक्सिमम, वो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट वीक की 20 तारीख तक ही आ जाए,
लेकिन 8 से 10 ट्रेडिंग डेज में इसको 12,150, क्योंकि ये एवरेज जोन चेंज होगी, इसको आना पड़ेगा। ये इसका टेक्निकल लॉजिकल रीज़न दिया, ठीक है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे भी, बैंक निफ्टी भी आपको दिखा देता हूँ, 3 साल करके भी दिखा देता हूँ, पहले 3 साल से ही दिखाता हूँ। तो 3 साल में आप बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए, जब जब 20 से ऊपर गया वापस 20 कुछ हुआ, 20 से ऊपर 3 साल का चार्ट है पूरा, डेली चार्ट आप देख सकते हो, जब जब इस लाइन से डिफर हुआ वापस छूना है, लाइन से डिफर हुआ। तो सबसे बड़ा इसने डिस्टेंस कब बनाया, जब मार्च में, तो भी इतना सा गैप बन रहा है, हाईएस्ट गैप इतना ही बन रहा है। अब की बार इतना ओवर स्ट्रेच हो चुका है, आज ये लाइन यहाँ पे खड़ी है और बैंक निफ्टी यहाँ खड़ा है, तो काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो चुका है, इसको छूने आना ही पड़ेगा। इसका लेवल जो आ रहा है अब 25,721 आ रहा है एज ऑन डेट, आज की डेट में 25,721। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, 25,721 नहीं मानते हम लोग, 26,000 राउंड फिगर मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी एट एनी कॉस्ट 8 से 10 ट्रेडिंग डेज में एट एनी कॉस्ट आएगा। वरना मैं कभी भी आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो नहीं बनाऊंगा, और मैं इतने 50,000 सब्सक्राइबर बनाया हूँ तो इसको मैं, मुझे छोड़ने में 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी स्टडी में ही दम नहीं है। अगर ये लॉजिक देने के बाद भी अगर फेल होता है तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है। और एक दावा करता हूँ, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 32,613, आप देख सकते हो, ये तारीख भी बता देता हूँ, 30/12/2019 को बनाया था इसने, 30 दिसंबर 2019 को 32,613 बनाया था। तो ये पहले अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ेगा, उसके पहले ये 26,000 की तरफ जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए, वैसे निफ्टी भी पहले वहाँ तक आएगा, फिर एक नई रैली, देखिए जब जब वापस छूता है उसके बाद रैली चालू होती है, देखिए वापस छूता है फिर से नीचे भी जा सकता है इसके, ये नहीं बोलता हूँ नीचे भी जा सकता है, लेकिन वापस इसको छूने तो आता ही आता है। दैट्स इट, आज का वीडियो अगर ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो लाइक्स धड़ाधड़ दीजिएगा, और बिना डरे रहिए, ये फिगर्स जो मैंने बोले हैं नोट कर लीजिएगा, 8 से 10 ट्रेडिंग डेज इज़ द मैक्सिमम टाइम आई एम आस्किंग, बट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक की 20 तारीख तक, क्योंकि 20 तारीख को नेक्स्ट वीक का फ्राइडे है, तब तक ये सारे लेवल्स आ जाने चाहिए एट एनी कॉस्ट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।